हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सरिता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सरिता पटेल टेक्स। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप फैक्ट वीडियो किस तरीके से बनाएंगे, और आप लोगों को फैक्ट वीडियो बनानी नहीं आती है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आए। आज की वीडियो में कम्प्लीट आपको यही बताने वाली हूँ कि फैक्ट वीडियो बनाने का सही तरीका कौन सा, क्योंकि कभी कभी लोग फैक्ट वीडियो बनाते हैं पर वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी फैक्ट वीडियो वायरल नहीं हो पाती है, उनकी फैक्ट वीडियोस पे व्यूज नहीं आते हैं। आपकी फैक्ट वीडियो पे व्यूज भी आएंगे और आपको किस तरीके से अपनी फैक्ट वीडियो क्रिएट करनी है वो सब मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। इसके लिए हमें जाना होगा काइन मास्टर ऐप पे। अगर आप लोग काइन मास्टर ऐप यूज नहीं करते तो आप लोग काइन मास्टर ऐप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि सबसे बेस्ट ऐप एडिटिंग के लिए काइन मास्टर ऐप ही है। तो दोस्तों, मैं आपको आज बताने वाली हूँ, तो चलिए हम काइन मास्टर ऐप पे चलते हैं। आपको फैक्ट वीडियो किस तरीके से क्रिएट करनी है, किस तरीके से उसमें म्यूजिक लगाना है, किस तरीके से उसमें बोलना है, तो वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। अगर आप लोगों के पास फैक्ट वीडियो के म्यूजिक नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो मेरी इस पे आने वाली है, उसमें आपको फैक्ट वीडियो के म्यूजिक है उसको डाउनलोड करना सिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं मास्टर ऐप पे और आपको मैं बताऊंगी कि आप अपनी फैक्ट वीडियो को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने काइन मास्टर ऐप पे। अब आपको क्या करना होगा, आपके सामने जो ऑप्शन आता है क्रिएट न्यू का, आपको इस पे क्लिक करना है। अब जो सबसे जो मेन गलती होती है जो हमारे जो यूट्यूबर्स हैं वो करते हैं, तो यहाँ पे होता है रेशियो चुनने में। यहाँ पे आप कौन सा रेशियो चुनेंगे, आपके लिए शॉर्ट वीडियो बनानी है, आजकल शॉर्ट वीडियो का क्रेज ज्यादा चल रहा है, तो यहाँ पे हम आपको बताएं कि आपको कौन सा रेशियो लेना है। यहाँ पे शॉर्ट वीडियो का रेशियो यहाँ पे आपको दिख रहा है 3:4, आपको ये वाला रेशियो लेना है। अगर आप बनाना चाहते हैं शॉर्ट वीडियो तो आप इंस्टाग्राम वाला जो स्क्वायर का ऑप्शन दिख रहा है, आप इनमें से कोई सा भी दोनों में से ले सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई सा भी रेशियो नहीं लेना है। तो यहाँ से हम यूट्यूब शॉर्ट वाला रेशियो लेंगे, ये वाला आपको दिख रहा है, तो यहाँ से हमें इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देना है। जब हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से सबसे पहले आपको एक बैकग्राउंड लेना होता है कि बैकग्राउंड में आप कौन सा कलर लगाना चाहते हैं। तो यहाँ से आपको इमेजेस का एक ऑप्शन दिखेगा, हम इस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ से हम लेंगे येल्लो बैकग्राउंड। येल्लो बैकग्राउंड सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि इस पर हम कोई सी भी इमेज लगा देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सही लगती है। अब इसको क्या करना है, आपको कम से कम इसको आपको 1 मिनट तक का इसके लिए बढ़ा देना है, 1 मिनट की ये बन जाएगी। तो यहाँ पे मान लीजिए हम कितनी भी शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट वीडियो 1 मिनट से कम की ही होती है, तो यहाँ से हम शॉर्ट वीडियो को यहाँ से 1 मिनट का कर लेंगे। और इसके ऊपर फिर आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको इमेज से अपनी वीडियो लगा देनी है। तो हम चलिए लेयर के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ से हम लेयर के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से आपको एक मीडिया का ऑप्शन दिखता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आपको मीडिया के ऑप्शन पे जब आप पहुँच जाएंगे तो यहाँ से आपके सामने आपकी पूरी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या करना है, हमें जो भी आपको फोटो लेना है, वीडियो लेनी है, तो वो हमें यहीं से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लगा देनी है। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये वीडियो ले ली है, यहाँ से अब देखिए मैं इसको अगर प्ले करती हूँ तो ये वीडियो यहाँ पे चलने लगेगी। तो यहाँ से ये वीडियो मैंने सेलेक्ट कर ली। आप इसी तरीके से अपने शॉर्ट वीडियो कोई सी भी लगा सकते हैं। अब मान लीजिए हमें यहाँ पे लिखना है ऊपर कुछ, तो यहाँ पे आप लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखता है टेक्स्ट का, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। मान लीजिए यहाँ पे मुझे लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो यहाँ से आपको लिख देना है, आपको लिखना है हिंदी में, आपको इंग्लिश यूज नहीं करनी है, आपको हिंदी यूज करनी है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे, तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख देंगे, आपको हिंदी में लिखना है, मैं आपको बस एग्जांपल के लिए लिख के दिखा रही हूँ। तो यहाँ से हमने मान लीजिए लिख लिया है, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से हमें ओके कर देना है। जब हम ओके करेंगे तो यहाँ से आपको ऊपर इसको यहाँ पे लगा देना है और आपको इसका कलर चेंज कर देना है, रेड कर दे रहे हैं। और यहाँ से आपको अगर इसका फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ पे इसको ए बना हुआ आ रहा है, इस पे जाइए और यहाँ से इसको बोल्ड कर दीजिए। जब आप इसे बोल्ड करेंगे तो देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप यहाँ पे हिंदी में लिखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब आपको इसमें आवाज़ किस तरीके से डालनी है, अगर आप मान लीजिए आपको टॉपिक आपने कोई सा भी रखा है, अब यहाँ पर आपको आवाज़ लगानी है इसमें, तो यहाँ नीचे आपको एक रिकॉर्ड का ऑप्शन दिखता है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। फिर आप देखेंगे यहाँ से आपको अगर अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करनी है तो आपको स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ से हम आपको आवाज़ रिकॉर्ड करके दिखाएंगे, तो चलिए हम स्टार्ट के बटन पे क्लिक करते हैं और आपको अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरिता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सरिता पटेल टेक्स। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इसी आवाज़ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से जो आपको साउंड का ऑप्शन दिखता है, आपको इस पर क्लिक करने के बाद इसको फुल कर देना है और जो ऑटो वॉल्यूम है इसको आपको यहाँ से ओपन कर देना है। जब आप यहाँ से इसको डन करेंगे, इतना प्रोसेस आपको करना है, फिर आप देखिए आपकी आवाज़ कितनी अट्रैक्टिव लगेगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरिता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सरिता पटेल टेक्स। तो यहाँ से आप अपने फैक्ट का जो भी आपने टॉपिक रखा है उसके बारे में बोल लीजिए। फिर आपको क्या करना है, अभी ये वीडियो अधूरी लग रही है, अब हमें इसे फैक्ट म्यूजिक लगाना है। म्यूजिक के बिना हमारी फैक्ट वीडियो अधूरी है। यहाँ से आपको ऑडियो पे जाना है, ऑडियो पे जाने के बाद आपको म्यूजिक ले लेना है। यहाँ से हम म्यूजिक को ले लेंगे,
तो यहाँ से हम इस तरीके से अपने म्यूजिक को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी, अब आपको इस म्यूजिक की आवाज़ है उसको थोड़ा कम कर देना है। यहाँ से हम इसको थोड़ा कम करेंगे ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे, म्यूजिक की आवाज़ थोड़ी कम आए। तो अब आपको मैं यहाँ से इसको चला के दिखाती हूँ, फिर आप देख सकते हैं कितनी अट्रैक्टिव यहाँ पे आपकी फैक्ट वीडियो बन जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरिता और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सरिता पटेल टेक्स। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके से अपनी फैक्ट वीडियो को बनाना है। यही सबसे आसान तरीका है आपको फैक्ट वीडियो बनाने का। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।